Assalamu alaikum, I'm Manar from Morocco and you're watching Moroccanistani Reactions. Adam alayhi salam wo pehla insaan hai jo Allah taala ne banaya tha, lekin Adam alayhi salam se pehle duniya mein kya tha, ye janne ke liye hum ye video dekhenge. And let's start the video. 1 2 3 Bismillahirrahmanirrahim. तमाम सामईन को एक मरतबा फिर रोहेल वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक का आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए और आपको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन। नाज़रीन, बहुत से लोगों की पुरज़ोर फरमाइश थी कि आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था, इस मौजू पर एक वीडियो बनाइए। तो पेशे खिदमत है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले क्या था? وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على ये बात तो सभी जानते हैं, ये सबसे पहले इंसान सैयदना आदम अलैहिस्सलाम हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इंसान की पैदाइश से पहले क्या था, और अल्लाह ताला ने अपनी बेशुमार मखलूक में सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। आइए इस सवाल का जवाब कुरान और हदीस की रोशनी से हासिल करें, क्योंकि मुसलमान के रहनुमाई के लिए रोशनी के यही दो मीनार हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ रहा हूँ, जब तक तुम उनको पकड़े रहोगे यानी उन पर अमल करते रहोगे तो तुम हरगिज गुमराह ना होगे, एक अल्लाह की किताब यानी कुरान मजीद और दूसरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। लिहाजा हम सबसे पहले कुरान करीम के रहनुमाई हासिल करते हैं, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, और वही है जिसने बनाए आसमान और ज़मीन छः दिन में और उसका फर्श पानी पर था। यानी ज़मीन व आसमान की पैदाइश से पहले अल्लाह पाक की सबसे पहली मखलूक पानी था। एक और जगह अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और पानी से हमने हर जानदार को पैदा किया। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम उनसे पूछिए, क्या तुम उस खुदा का इनकार करते हो जिसने दो दिन में ज़मीन को पैदा किया, और क्या तुम दूसरों को उसका बराबर ठहराते हो? यही खुदा तमाम आलमों का परवरदिगार है। एक और जगह इरशाद बारी ताला है, और उसी ने ज़मीन में ज़मीन के ऊपर पहाड़ कायम कर दिए, और उसी ने ज़मीन में बरकत रखी, और ज़मीन पर रहने वालों की ग़िज़ाएँ भी उसी ज़मीन में मुकर्रर कर दी। ये सब कुछ चार दिन में मुकम्मल हुआ। दरियाफ्त करने वालों के लिए यह वाज़े बयान और पूरा पूरा है। एक और जगह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फिर अल्लाह ताला ने आसमान की जानब तवज्जो फरमाई, और वो उस वक्त एक धुआं सा था, सो उससे और जमीन से इरशाद फरमाया, तुम दोनों हाजिर हो जाओ खुशी से या दबाव से। उन्होंने अर्ज किया, हम दोनों खुशी से हाजिर हैं। दो दिन में उनको सात आसमान बना दिया, और हर एक आसमान में उसके मुनासिब हाल हुक्म भेज दिया, और हमने आसमान दुनिया को चरागों यानी सितारों से आरास्ता किया, और नीज उस आसमान की दुनिया की हिफाजत की। ये उस खुदा का मुकर्रर करदा निज़ाम है जो कमाल कुव्वत और कमाल इल्म का मालिक है। ज़मीन और उसके मुतालिक चीज़ें ये सब चार दिन में अल्लाह ताला के हुक्म से मुकम्मल हुई। दो दिन में ज़मीन बनाई गई, और दो रोज़ में उसके मुतालक यानी ज़मीन में किस्म किस्म के दरख्त, मेवे, फल, गले, हैवानात, काने वगैरह पैदा फरमाई। ज़मीन और उसके मुतालक इशा की पैदाइश के बाद अल्लाह ताला ने आसमानों की तरफ तवज्जो फरमाई। आसमान के वजूद में आने से पहले सारा खला धुएँ की तरह था, इससे अल्लाह ताला ने सात आसमान बनाए। फिर आसमान और ज़मीन के मिलाप से दुनिया बसाई गई।
आसमान से सूरज की शुआएं आईं, गर्मी पड़ी, हवाएं उठी, उनसे गर्द और भाप ऊपर चढ़ी, फिर पानी बनकर बारिश बरसी, जिसकी बदौलत जमीन से तरह तरह की चीजें पैदा हो गईं। जमीन व आसमान के मुतालिक ये सब काम अल्लाह ताला ने 6 दिन में मुकम्मल फरमाए, जैसा कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है जिसने पैदा की आसमान और जमीन 6 दिन में। उसके बाद अल्लाह ताला ने जमीन पर पहाड़ कायम फरमाए। अल्लाह ताला ने जब जमीन को पैदा फरमाया तो वो हरकत करने लगी। अल्लाह ताला ने पहाड़ों को पैदा फरमाकर जमीन पर रखा तो जमीन की हरकत बंद हो गई। अल्लाह ताला ने जब जमीन को पैदा फरमाया तो यह हरकत करने लगी, और अल्लाह ताला ने उसकी हरकत को रोकने के लिए पहाड़ों से मेखों का काम लिया। अगर अल्लाह ताला ये इंतजाम ना फरमाते तो जमीन हमेशा हरकत करती रहती। जरा तसव्वुर करें कि किसी जगह जब जिलजिला आता है उस वक्त क्या हालत हो जाती है। जिसको मौका मिलता है तो लोग जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर जंगलों बयाबान में निकल भागने की फिक्र करते हैं, और अक्सर तो ऐसा होता है कि भागने का मौका ही नहीं मिलता। लोग सोते सोते लुकमाए अजल बन जाते हैं। अगर अल्लाह ताला जमीन की हरकत रोकने के लिए पहाड़ों को उस पर कायम ना फरमाते तो क्या होता, इसका तसव्वुर आप कर सकते हैं। यमन के कुछ लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में इल्मे दीन सीखने के लिए हाजिर हुए। उन लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि इस आलम की इब्तिदा कैसे हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया के वजूद से पहले सिर्फ अल्लाह ताला की पाक जात थी, उससे पहले कुछ भी ना था, और अल्लाह का अर्श पानी पर था। उसके बाद अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन को पैदा फरमाया और लोहे महफूज में हर चीज को लिख दिया। जनाबे रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने आसमान और जमीन के वजूद से 50,000 साल पहले जुमलाए मखलूक के लिए जो भी मुकर्रर कर दिया था उस सब को लोहे महफूज में जमा कर दिया था। आसमान और जमीन से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। उसके बाद अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमा कर उसको हुक्म दिया कि लिख। कलम ने दरियाफ्त किया कि क्या लिखूं। हक ताला की तरफ से हुक्म हुआ, जो कुछ कयामत तक मुकर्रर होगा वो सब लिख लो। तो कयामत तक जो कुछ होने वाला है वो सब कुछ कलम ने लिख लिया। जमीन व आसमान के वजूद से पहले अल्लाह का अर्श पानी पर था। अल्लाह ताला के हुक्म से एक हवा चली जिससे पानी की लहरें फटकर पानी की सतह पर कुबा की शक्ल में एक बुलबुला पैदा हुआ। उससे अल्लाह ताला ने सारी जमीन को मुरक्कब फरमाकर उसको पानी की सतह पर बिछा दिया। मोहतरम अजीज दोस्तों, जो कुछ बयान हो चुका है इससे एक आम आदमी भी समझ सकता है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान को कैसे पैदा फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले कायनात में क्या था। नबी और पैगंबर अल्लाह ताला के मखसूस और मासूम बंदे और इंसान होते हैं जिनको अल्लाह ताला इंसानों की रहनुमाई और हिदायत के लिए मुंतखब फरमाता है। जो गुनाहों से मासूम होते हैं अल्लाह ताला के अहकाम बंदों तक बिला कमी बेशी पहुंचाते हैं, किसी हुक्म को छुपाते नहीं। सबसे पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम हैं और सबसे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर अंबिया का सिलसिला खत्म हो गया और कयामत तक आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की पाक नबूवत जारी और सारी रहेगी। दुनिया में अल्लाह ताला ने बहुत से नबी और रसूलों को लोगों के रहनुमाई के लिए भेजा जिनकी सही तादाद अल्लाह ताला को ही मालूम है। नबूवत अतिया खुदावंदी है, अल्लाह ताला ने जिसको चाहा उसको ये एजाज बख्शा। यहां यह बताना भी मालूमात में इजाफे का बायस होगा कि नबी और रसूल में क्या फर्क होता है। नबी और रसूल में थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि रसूल उस पैगंबर को कहते हैं जिसको नई शरीयत और नई किताब दी गई हो, जैसे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और नबी हर पैगंबर को कहते हैं, खा उनको नई शरीयत और नई किताब दी गई हो या फिर ना दी गई हो। मोहतरम अजीज दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और आने वाली नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद घंटी के बटन को जरूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत सांसों ने वफा की, तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अल्लाह पाक आप सबका हाफिजों निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। सो इन्होंने इस वीडियो में उन्होंने तफसील से बताया है कि किस तरह अल्लाह ताला ने कायनात की तख्लीक की है, ज़मीन और आसमान की तख्लीक की है, किस तरह से जो है स्टेप बाय स्टेप जो कायनात की तख्लीक की है अल्लाह ताला ने, उसके बारे में ये वीडियो है। मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी, कि ज़मीन में इंसान से पहले कौन कौन से मखलूकात थे, जानवर या जिन, अगर वो ज़मीन में इंसान से पहले बसे हुए थे या इस तरह की कुछ बातें होंगी, लेकिन इसमें तो ऐसी चीज़ों का कोई ज़िक्र नहीं था। सिर्फ कायनात, पूरे कायनात की तख्लीक कैसे हुई है उसके बारे में ये वीडियो थी। लेकिन बहरहाल काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, आई होप कि आपको पसंद आई होगी और मैं ढूंढूंगी अगर मुझे कोई और वीडियो मिलेगी जिसमें वो इन्फॉर्मेशन है जिनको मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, तो वो इस पर भी रिएक्शन होगी इंशाल्लाह। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। चल देर अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान।